हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर डैड। आज हम बात करने जा रहे हैं जावा के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी और मैं आपको हिंदी में भी समझाता रहूँगा। अगर आपके 20+ मार्क्स आते हैं तो समझिए आपकी एक जावा में अच्छी खासी प्रिपरेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से। तो क्वेश्चन नंबर वन कुछ इस प्रकार से है, स्ट्रिंग इन जावा इज ए। बेसिकली जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो जावा में क्या होती है, ठीक है ना? क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे। तो जब बहुत सारे हम कैरेक्टर को आपस में जोड़ देते हैं तब जाके बनती है हमारी स्ट्रिंग। जैसे कि हमें लिखना है हेलो, तो हमने कह दी HELLO। तो ये अभी तक तो हमारे पांच बेसिकली करेक्टर थे और इन आपस को आप हम इन इनको आपस में हमने जोड़ दिया है, तब ये बन गई हमारी स्ट्रिंग। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ दीज मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू ऑब्टेन करेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। अगर हमें किसी स्ट्रिंग में से एक करेक्टर स्पेसिफाइड इंडेक्स से निकालना है कि ए किस इंडेक्स पर है या सी किस इंडेक्स पर है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कैर, कैर एट, कैर एट, कैर एट। देखिए तीन कैर एट के फंक्शन है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सी कैपिटल है, यहाँ पे ए कैपिटल है, यहाँ पे दोनों स्मॉल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। कैर एट के अंदर ए कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो जब हमें बहुत बड़ी स्ट्रिंग में से एक करेक्टर निकालना है कि तीसरी पोजीशन पे कौन है, तो उसके लिए हम कैरेट नाम के फंक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर्स टू मेंबर ऑफ बेस क्लास फ्रॉम ए सब क्लास। बेस क्लास मतलब आपकी पेरेंट क्लास और सब क्लास मतलब आपकी चाइल्ड क्लास। तो वो कौन सा कीवर्ड होता है जो हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, यानी कि पेरेंट क्लास या सब क्लास के में यूज करेंगे? तो वो उस कीवर्ड का नाम है हमारा सुपर कीवर्ड। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है बी, सुपर। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ दीज मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास कैन बी यूज्ड टू टेक्स्ट टू स्ट्रिंग फॉर इक्वलिटी। अगर आपको दो स्ट्रिंग को आपस में इक्वल करना है तो उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है? इज इक्वल, इज इक्वल्स, इक्वल या इक्वल्स। तो देखिए ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये मेरी वीडियो में पहले भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे इक्वल्स। तो फोर्थ का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्ट्रिंग इज ए क्लास, सही है, स्ट्रिंग क्लास भी होती है और बहुत सारे करेक्टर का कलेक्शन भी होती है, ठीक है। एवरी स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग, ये भी सही है। जावा डिफाइन ए स्ट्रिंग बफर, ये भी ठीक है, जो कि ऑल्टरनेट होता है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग इन जावा आर म्यूटेबल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्ट्रिंग बफर जावा में म्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। तो यहां पर ये पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, स्ट्रिंग इन जावा आर म्यूटेबल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डैश आर ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, यानी कि बहुत सारे करेक्टर के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए करेक्टर, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी इंटीजर, ऑप्शन डी क्लासेस। तो बहुत सारे करेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो सिक्स का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, द स्ट्रिंग क्लास इज, अभी मैं बता चुका हूं स्ट्रिंग की क्लास जो होती है वो म्यूटेबल होती है या इम्यूटेबल होती है या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो स्ट्रिंग क्लास जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, ठीक है ना,
और स्ट्रिंग बफर क्लास जो होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है। तो सेवेंथ का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेथड रिटर्न द करेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, यानी कि अगर हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पर थर्ड पर कौन सा करेक्टर है और अगर हमारी ये स्ट्रिंग है तो 0, 1, 2, 3 थर्ड पर कौन है, एस, तो ये कौन से मेथड से हम बता सकते हैं। इंट कंपेयर टू, कंपेयर करने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। इंट कंपेयर टू स्ट्रिंग, इसमें भी कंपेयर की कोई बात ही नहीं है। इंट कंपेयर टू इग्नोर क्वेश, इसमें भी कोई बात नहीं है। कैर एट नाम का फंक्शन जो होता है, अगर आप उसे इंडेक्स देंगे तो वो ये बता देगा कि कौन सा करेक्टर आपका प्रिंट होके आएगा। सबसे पहला वाला डेटा होता है, डेटा टाइप, फिर आपका फंक्शन का नाम होता है और उसके अंदर आपका आर्गुमेंट होता है। तो एट्थ का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेनेवर अ सब क्लास नीडेड टू रेफर्स टू एन इमीडिएटली सुपर क्लास, इट कैन डू सो बाय द यूजिंग द कीवर्ड सुपर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुका हूं, उनको बहुत ही अलग अलग तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जब हमारी सब क्लास जो होती है वो सुपर क्लास से क्या होगी, कनेक्शन होगा, इनहेरिटेंस होगी, तो क्या हम वहां पे सुपर कीवर्ड यूज करते हैं? यस नो, कैन बी यस और नो, कैन नॉट से, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो नाइन्थ का राइट आंसर है ए, यस, हमारा सुपर नाम का कीवर्ड यूज होता है जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि जब हमारी सुपर क्लास और एक सब क्लास आपस में कनेक्शन बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी टू एरे वेरिएबल इन जावा, यानी कि वो कौन सा ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर जो मेमोरी एलोकेट करता है हमारे जावा में वेरिएबल के लिए, और वेरिएबल भी कैसा, एरे वेरिएबल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नाम लेते हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं s1, फिर न्यू नाम का कीवर्ड आता है और फिर हम फिर से क्लास का नाम या कंस्ट्रक्टर का नाम लेते हैं न्यू, और फिर से जो यहाँ पे क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पे आता है। तो जब हम किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनमें से क्या चीज होती है जो आपकी मेमोरी एलोकेट करता है, न्यू नाम का ऑपरेटर होता है हमारा। तो मेलोक, एलोक, न्यू या न्यू मेलोक, तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है ना, क्योंकि एलोक कुछ नहीं होता और न्यू मेलोक कुछ नहीं होता। ठीक है, मेलोक और कैलोक और रियलोक फिर भी होता है, पर वो होता है लिंक लिस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, Which of these is an incorrect array declaration? इनमें से कौन सा array declaration गलत है? Int array का नाम, उसका डिब्बा, equals to new int 5 और पीछे सेमीकोलन लगा लेना, ये बात बिल्कुल सही है। Int एक डिब्बा, डिब्बा मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, array new int 5, ये भी सही है। Int array ब्रैकेट new int 5, ये तो बिल्कुल सेम है इसी की तरह, ये भी सही है। int array bracket int 5 new last में, ये बिल्कुल गलत है, new तो last में कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो 11th का तो right answer है वो है आपके सामने D। क्वेश्चन नंबर 12, which of these is necessary to specify at times of array initialization, जब आप array को initialize करते हैं उस समय इनमें से क्या चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जो बिल्कुल नेसेसरी ही है। रो, कॉलम, बोथ रो एंड कॉलम, नन ऑफ द मेंशन। तो आपको रो की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी जब आपको एरे इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो 12th का जो राइट आंसर है वो है ए, रो। क्वेश्चन नंबर 13, What is the index range for the element of an array in Java? यानी कि हम जावा में जानते हैं कि जो एरे होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, और अगर किसी में 5 एलिमेंट हैं, इसका मतलब आपकी जो लिमिट चलेगी वो चलेगी 0 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 0 टू लेंथ -1, ये बिल्कुल सही है।
एक से लेंथ तक नहीं, माइनस वन से लेंथ तक बिल्कुल नहीं, और जीरो से लेंथ तक ये भी नहीं, क्योंकि जब एक एलिमेंट कम है तो जीरो से लेंथ माइनस वन तक लूप चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू यू एक्सेस एन एलिमेंट इन एन एरे इन जावा। जावा के अंदर अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना होता है तो हम इनमें से क्या यूज करते हैं, उस एलिमेंट की वैल्यू नहीं, उस एलिमेंट की की नहीं, उस एलिमेंट का लेवल बिल्कुल नहीं, हमें नंबर एक्सेस करना पड़ता है उसके इंडेक्स के बेस पर। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू एक्सेस एन एलिमेंट विद एन इंडेक्स दैट इज आउट ऑफ बाउंड। मान के चलिए आपने एक एरे में 5 एलिमेंट लिए हैं तो इसकी इंडेक्सिंग हो गई 0 से लेकर 4 तक, लेकिन अगर आप 5th एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं जबकि 5th एलिमेंट पर कुछ है ही नहीं, तो आपका इस केस में क्या हैपन होगा, क्या होगा? अ रन टाइम एक्सेप्शन इज थ्रो, ऑप्शन नंबर बी, द प्रोग्राम टर्मिनेट एब्रुप्टली, ठीक है एक्सप्लेन गलत है कुछ, द एलिमेंट वैल्यू इज सेट टू नल, द एलिमेंट वैल्यू इज सेट टू 0, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल सी वाली बात है, आपकी एक एरर आएगी जिसको हम बोलेंगे रन टाइम एक्सेप्शन के थ्रू होगी कि एरे आउट ऑफ रेंज या आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कैन द लेंथ ऑफ द एरे कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट क्रिएशन इन जावा। जावा में जब आप एरे क्रिएट कर देते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उसकी लेंथ चेंज कर सकें, हमें और एलिमेंट बढ़ा सकें? देखिए जावा में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एरे के केस में यही है कि एरे का जो डिसएडवांटेज है वो है फिक्स साइज। आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आप कितना साइज लेना चाहते हैं। तो यूज बाय यूजिंग द रीसाइज मेथड, कोई मेथड नहीं है ऐसा, गलत। यूज यस नहीं, ये भी गलत है। नो द लेंथ ऑफ द एरे इज फिक्स आफ्टर क्रिएशन। अगर आपने एक बार एरे क्रिएट कर दिया है तो उसकी लेंथ फिक्स हो जाती है। नो एरे इन जावा हैज द फिक्स्ड लेंथ, ये बात भी बिल्कुल सही है और ये वाली बात भी सही है। तो 16 का सी भी आंसर सही है और आपका डी भी आंसर सही है, ठीक है, फिक्स लेंथ होती है। चलिए बढ़ते हैं आपकी, लेकिन यहाँ पे बात सी ज्यादा सही है क्योंकि नो द लेंथ ऑफ द एरे इज फिक्स्ड आफ्टर क्रिएशन, क्रिएट होने के बाद लेंथ फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में लेंथ फिक्स हो जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएशन एन एम्प्टी टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। हमें टू डायमेंशनल एरे कैसे बनता है, एक ब्रैकेट यहां पे हमने लिख दी 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया यहां पे 4 और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो टू डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट हम करते हैं, इंट 2 ब्रैकेट, एरे का नाम है ब्लू, न्यू नाम का ऑपरेटर, इंट 2, 2, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसे हम एरे क्रिएट नहीं करते। 2 मल्टीप्लाई 2 या 2x2 ऐसे भी नहीं करते। 2, 2 ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला बिल्कुल सही है कि इंट 2 ब्रैकेट, ब्लू नाम का एरे, न्यू नाम का ऑपरेटर और इंट 2, 2, ये बिल्कुल सही है। तो 17 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18, जावा एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, यानी कि जावा में जो एरे होता है वो किस चीज का कलेक्शन होता है, होमोजीनियस, हेटरोजीनियस, होमोजीनियस मतलब सिमिलर टाइप या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, या हेटरोजीनियस या बोथ ए एंड सी, सिमिलर और हेटरोजीनियस। तो एरे जो कलेक्शन होता है वो होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट का, मतलब एरे में अगर एक एलिमेंट इंटीजर है तो सभी एलिमेंट इंटीजर होंगे, इसमें फ्लोट की वैल्यू नहीं आ सकती। अगर एरे करेक्टर टाइप का है और एक एरे में करेक्टर है तो फिर सभी करेक्टर होंगे, इसका मतलब एरे जो होता है वो कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स का, क्लियर है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 19, जावा एरे कैन अलॉट, ठीक है ना, जावा में जो एरे होता है वो किस तरह की मेमोरी एलोकेट करता है, डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी,
बोथ या नन ऑफ दीज। देखिए एरे का जो डिसएडवांटेज मैंने जो बताया है वो मैंने बताया है कि एरे में मेमोरी कैसी होती है, फिक्स होती है। तो एरे जो मेमोरी एलोकेट करता है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है, इसका मतलब हमारी मेमोरी फिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडेक्स इन एरे स्टार्ट विद, एरे की जो इंडेक्स होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, -1 से, 0 से, 1 से या इनफाइनाइट। तो एरे की जो इंडेक्स होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 21, वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे यूजिंग, अगर हमें किसी एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है कि इस एरे में कितने एलिमेंट हैं, 4, 5, 6 कितने हैं, तो क्या साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, क्या एरे डॉट लेन होता है, क्या एरे डॉट लेंथ होता है, क्या एरे डॉट साइज ऑफ होता है। तो एरे का नाम है और उसके आगे कीवर्ड लगेगा लेंथ, ये कैलकुलेट करेगा कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 21 का राइट आंसर है आपके सामने सी। क्वेश्चन नंबर 22, इन जावा एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन डैश मेमोरी लोकेशन, एरे में जो एलिमेंट होते हैं वो किस प्रकार की मेमोरी एलोकेट करते हैं या किस प्रकार की मेमोरी एक्सेस करते हैं, रैंडम मेमोरी यानी कि कहीं भी स्टोर हो सकते हैं या सिक्वेंशियल मेमोरी, एक बार में एक एलिमेंट और वो भी सिक्वेंस से, सिक्वेंशियल एंड रैंडम या बाइनरी सर्च। तो जो एरे जो होते हैं वो लेते हैं आपके सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, यानी कि एक एक करके एलिमेंट स्टोर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एरे के अंदर बीच में आप एक एलिमेंट छोड़ दें और फिर उसके बाद आप स्टोर कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23, डैश कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, जब एक क्लास की कुछ करेक्टरिस्टिक्स यानी कि मेथड और फील्ड जब दूसरी क्लास में जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए ओवरराइडिंग, ऑप्शन नंबर बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर सी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर डी एब्स्ट्रैक्शन। तो जब एक क्लास की कुछ करेक्टरिस्टिक दूसरी क्लास में जाती है तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि 23 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 24, द क्लास विच इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर इज नोन एज, ठीक है ना, कौन सी क्लास किस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। तो देखिए सुपर क्लास और पेरेंट क्लास तो बड़ी क्लास हो गई, ठीक है ना, वो तो मेन क्लास है, कौन सी ऐसी क्लास होगी जो पेरेंट और सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, भाई सब क्लास, क्योंकि माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब पेरेंट क्लास की करेक्टरिस्टिक्स को कौन इनहेरिट करेगा, सब क्लास। तो 24 का राइट आंसर है आपके सामने सी। क्वेश्चन नंबर 25, सब क्लास आल्सो नोन एज, सब क्लास को और हम किस नाम से बुलाते हैं, चाइल्ड क्लास नाम सिंपल है, ड्राइव्ड क्लास ये भी सिंपल है, बेस क्लास को हम बुलाते हैं सुपर क्लास। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 26, अ क्लास मेंबर Declared protected become a member of subclass of which type? अगर हम ये चाहते हैं कि एक क्लास की करेक्टरिस्टिक दूसरी क्लास में ना जाए तो ऐसे में हम उस क्लास के मेंबर को कैसा कर देंगे, पब्लिक मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर, स्टैटिक मेंबर या प्राइवेट मेंबर, ठीक है ना। तो अगर उन मेंबर को हम प्राइवेट कर दें तो फिर उसकी करेक्टरिस्टिक दूसरी क्लास में नहीं जाए। तो 26 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट वे ऑफ इनहेरिट क्लास ए बाय क्लास बी, इनमें से कौन सा मेथड सही है इनहेरिटेंस के केस में जब एक क्लास दूसरी को इनहेरिट करती है। तो क्लास बी प्लस, देखिए प्लस कुछ नहीं लगता, क्लास बी इनहेरिट, इनहेरिट नाम का कीवर्ड कोई नहीं लगता,
क्लास बी एक्सटेंड ए, तो बी क्लास ने किसको एक्सटेंड कर लिया, ए को, और क्लास बी एक्सटेंड क्लास है, बार बार क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 27 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच कीवर्ड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंट क्लास, यानी कि ये प्रेजेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये इनमें से कौन सा कीवर्ड डिफाइन करता है, इंटरफेस, पैकेज, दिस, स्टैटिक। तो स्टैटिक, सॉरी, दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंट क्लास। जब आपके इंस्टांस वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल का नाम सेम होता है तो आपका दिस कीवर्ड इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। तो 28 का राइट आंसर है आपके सामने सी। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल मेथड्स ऑफ इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ए, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, Which types of inheritance is not supported by Java? इनमें से कौन सा inheritance Java में support नहीं होता? Single level inheritance support होता है, multi level inheritance support होता है, hierarchical level inheritance support होता है, multiple inheritance Java में possible नहीं है। तो 30 का right answer है B। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।